हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पे और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। नए नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे सिमेन एनआईटी है जहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और यहाँ पे लगभग 1000 इंस्टीट्यूशन फेलोशिप भी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1000 इंस्टीट्यूशन फेलोशिप मिलेगा आपको। अक्सर लोग पीएचडी के बारे में बात करते हैं तो फेलोशिप वाले बात करते हैं, इसीलिए मैं अक्सर मैं जो भी लाता हूँ अपडेट वो फेलोशिप से रिलेटेड रहता है। फेलोशिप जरूर रहता है, विदाउट फेलोशिप वाले मैं कम लेके आता हूँ। इसीलिए जब भी मिलता है मौका कि फेलोशिप वाला है, मैं उसका रिमाइंड भी कर देता हूँ कि हाँ यहाँ पे फेलोशिप निकला है, यहाँ पे अप्लाई कीजिए। डेट जाने लगता है तब भी रिमाइंड कर देते हैं, और कुछ लोग जो बचे रहते हैं उनको ये अपडेट मिल जाए। उसी तरह का ये भी है। तो देखिए यहाँ पे अपडेट आया है कि पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और वो भी 7 में। एक का तो डेट निकल गया है, अभी 6 का है। तो आपको हम दिखाते हैं कौन कौन सा एनआईटी है जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखिए न्यू नोटिफिकेशन है, देयर आर 32। आपको जानकारी होना चाहिए 32 जो है देश भर में नेशनल इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी एनआईटी है, और 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IEEE है। तो यहाँ पर अक्सर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं और अक्सर लेके आते रहता हूँ ताकि आपका पीएचडी में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, वो भी विद फेलोशिप के साथ। अगर नेट जेआरएफ है तब भी यहाँ पे निकलता है, तो उस पर भी हो जाए और पीएचडी करने का आपका सपना पूरा हो जाए। क्योंकि पीएचडी करते करते एक एज हो जाता है और सेल्फ डिपेंडेंट करने का टाइम आ जाता है, ऐसे में आपको फेलोशिप के साथ ही पीएचडी करना बेहतर रहता है। इस पर पीएचडी से रिलेटेड एक अलग वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि किन किन सब्जेक्ट में निकला हुआ है, किन किन यूनिवर्सिटियों में निकला हुआ है। देखिए एनआईटी रायपुर है जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ये तुरंत ही जारी हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एनआईटी रायपुर में आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लास्ट डेट 17 मई तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल ऑफ नंबर ऑफ सीट बताएं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सीट है 133 है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एनआईटी जो है दूसरे नंबर पर क्या कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं एनआईटी दिल्ली है जहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और यहाँ पे 139 है, 39 सीटें हैं पीएचडी का नोटिफिकेशन का जारी हुआ है। तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम में भी निकला हुआ है, दोनों में है, स्पॉन्सर भी है यहाँ पे, और अपना डिपार्टमेंटल है, और नेट जेआरएफ है, सेल्फ फाइनेंस भी है, विशेश्वर रैया पार्ट टाइम फुल टाइम भी यहाँ पे पीएचडी निकला हुआ है। लास्ट डेट आपका है 19 मई तक, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 19 मई तक। आपको डिस्प्ले ऑफ एचओडी के डिपार्टमेंट पर उसके बाद सब घोषित हो जाएगा। तो ये रहा। अब अगला जो है एनआईटी रुड़की है जहाँ पे एनआईटी राउल किला है जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और मैंने इस पर फुल वीडियो बना भी दिया है, तो उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट पर इन्फॉर्मेशन है। और ये 9 जून तक आपका डेट है, अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी समय है, 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से एनआईटी सिलचर है जिस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाया है, यहाँ भी नोटिफिकेशन है, और 15 जून तक यहाँ पे टाइम है, 15 जून तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और टेंटेटिव जो है पब्लिकेशन डेट उसके बाद जून में ही होगा, और अप्लीकेशन फी लगभग आपको देख सकते हैं 1000 और 500 रुपये लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, एससी एसटी को 500 रुपये लगेंगे। और अगला है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद में, जहाँ पर निकला हुआ है पीएचडी का नोटिफिकेशन है, और टाइप ऑफ फिर यहाँ पे बात की जाए कि इस टाइप से निकला हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टाइपन पर निकला है फुल टाइम, और स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर स्पॉन्सर भी है, स्पॉन्सर पार्ट टाइम है, और इम्पोर्टेंट डेट है आपको 12 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो आराम से कीजिए, यहाँ पे 12 मई तक है। तो एनआईटी मेघालय में भी है जहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पार्ट टाइम फुल टाइम सब है विथ फेलोशिप के साथ ही, और इसका एप्लीकेशन फ़ी वही
आपको 1000 लगेगा अनरिजर्व कैटेगरी में और 500 रुपये लगेगा आपको रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और शेयर कहाँ कहाँ करें आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में, जहाँ भी हो सक संभव शेयर कीजिए। बहुत से स्टूडेंट शेयर कर भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ शेयर करने का आ रहा है, तो शेयर कीजिए, बहुत अच्छा है, करते रहिए, ताकि जो भी इसके नीडी है, जो भी पीएचडी करना चाहता है, उस तक ये इन्फॉर्मेशन एनी हाउ पहुँच जाए। दे रहा पीएचडी से रिलेटेड अपडेट, इस तरह के अपडेट के लिए मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन में, तब तक देखते रहिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज़।